और यहाँ पे शानदार सर्विस मारते हुए आचार्य जी, गुरुजनों तथा मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज मैं कविता आप सबके समक्ष स्वच्छता ही सेवा है विषय पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। स्वच्छता ही सेवा है भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला ये एक स्वच्छता अभियान। ये अभियान हर साल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का विषय स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है, जिसका अर्थ है कि स्वच्छता केवल एक कार्य ना होकर हमारे स्वभाव और मूल्यों का भी हिस्सा होना चाहिए। गांधी जी ने एक सपना देखा था, सब भारतवासी स्वच्छता के महत्व को समझे और उस पर अमल करे। वह वातावरण को साफ रखने में काफी ध्यान देते थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो न केवल आजाद हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। उन्होंने भारत को आजाद करवाया था और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारत माँ की खातिर उनकी सेवा करें। हम सब ने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का महत्व, स्वच्छ और सुंदर भारत, ये एक अच्छा विचार है। यही समय है कि हम सब मिलकर देश की इस समस्या का हल निकालें। अगर सभी नागरिक छोटे बड़े अपने घर और आस पड़ोस को साफ रखें, तो बीमारियां फैलना बंद हो जाएंगी। कहा टुंडू क्या संस्कृतु मैं पतना हूँ ऐसे जी कर के सुनू हिमाचल मैं मैं वो सुनू फिर गाना क्या संलोक से मैं क्या सह जुले तांसी इसलिए दिल क्या रे शिक्षकों छोटी नो तलुई ईश चंदा इलास गुले जोजीनी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता बोलते इनो लसगुल ईश गुते नतांग खंपे नंस्कोर चिपो मापा रंगी तंस्कोर शंगलम तंग गलम कम्यूल तंग चोरुकुन संगमा बोलते नतांग यूल गुपो जन तंग सोसो लक्ष्मो बोर्चेस इनो कोजुक जेस ना Guest of honor, I am Padma Ungu, S.D. Kargil, PC Chairman, Sir Vidale, Panchayat Inspector, Headmaster, Staff Members, and my legislative. As rightly said, clear and green make a perfect year with his beautiful quote. I, Nizamo, would like to speak a few lines on Swachhta Hi Seva. This campaign encouraged public participation and highlight the important role of sanitation workers. It integrates various activities at the grassroots level, including Headmaster High School Chiksing and Chairperson VEC, Panchayat Inspector, Block ke sabhi staff members aur school ke sare staff members aur bachcho. सबको वन सेकेंड जो लेवर सलाम। मैं अनएक्सपेक्टेडली इस प्रोग्राम में एज अ क्रश करने के लिए मैं पहुंच गई, तो आई एम सॉरी बट थैंक यू सो मच कि आपके हेडमास्टर ने मुझे मौका दिया कि कुछ चंद शब्द मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले मैं स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताना चाहूँगी। हालांकि मुझे याद है कि आप सबको मालूम होगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है क्या है। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 से स्टार्ट हुआ है। वो स्वच्छ भारत जब मेरे पास सी डी ओ का चार्ज था, तो यहाँ उन्होंने यहाँ वाला एक आंगनबाड़ी सेंटर हुआ करता था, वहाँ विजिट के लिए आती थी, तो वो एक फ्लैशबैक सा आ गया। और बच्चों का एंथुजियाज्म देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि कितने एंथुजियाज्म के साथ उन्होंने अपने स्वच्छता जो वॉलीबॉल मैच में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों से मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि यू आर द एम्बेसडर, आप जब घर जाओगे तो ये मैसेज दोगे कि मम्मी ये ऐसा कोई हमारा सिस्टम है, तो हमें उसमें जुड़ना चाहिए, है ना। तो जो भी डिपार्टमेंट जैसे आर डी डी एन पी आर जो है स्वच्छता जो सीनियर इन दी सर्विसेस, शी इज करंटली असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कारगिल। थैंक यू मैम फॉर कमिंग हेयर और मेरा
सारा जो काम आपने अभी कर दिया उसके लिए भी शुक्रिया। तो उसके बाद रिस्पेक्टेड एचएम मैम, गवर्नमेंट हाई स्कूल ठीक से चेयरमैन वीसी मिस्टर रिगदन, पंचायत इंस्पेक्टर कार्टून डुबले और हमारे वीएलडब्ल्यू एनका जहीर, एनका अख्तर एंड लार्लिन की हमारी मैडम और यहाँ तमाम जितने भी स्टाफ मेम्बरान हैं और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से आदाब और जुले। तो कुछ अच्छे से इतने एलोबरेटली आपको समझाया कि स्वच्छ भारत मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और आज तक हमने क्या अचीव किया, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा आपको मैम ने पेश कर दिया आपके सामने। तो मैं आपको बोर नहीं करूंगी। तो जैसे कि आज हम इस इवेंट को यहाँ आए हैं ऑर्गेनाइज करने इन कोलैबोरेशन विद योर स्कूल, तो उसके लिए मैं आपके एचएम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बच्चों को और अपने स्टाफ को और अपने आप को इन्वॉल्व करके इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया। उसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आरडी डिपार्टमेंट से, और प्यारे बच्चों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने इंथुजियास्टिकली और इतने जोश व खरोश से ये वॉलीबॉल जो मैच आप लोगों ने आज अंजाम दिया और इस डाइस से स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 जो हम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहे हैं हर गांव में। तो यही मैसेज रहेगा कि जो हम प्रोजेक्ट सांगा यहाँ, तो वो दिखना भी चाहिए, विजिबल क्लीनलीनेस भी होनी चाहिए और स्कूल में भी हाइजीन और सैनिटेशन का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। बच्चों को स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी साबुन पानी का प्रबंधन यहाँ होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। तो यही फोकस है हमारे मिशन का, बाकी यहाँ पे आने का और टाइम देने का, हमारे साथ कोलैबोरेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मासूम है मैं खुद ही से जीन देने में मैं ये वो बीइंग और बजट वन सिंगल हफ्ते में वाला मैं फोन कांटेक्ट ही लगा दिन देने इसमें दिनों से ऑर्गेनाइज शो को तो ना मैडम ना शो स्पेंगी किसी ना मॉम टीचिंग स्टाफ सम्मान ना खुद ही से जीन देने का सिटिंग अरेंजमेंट ना इस समय पीएस सम्मान इस समय देने के लिए तो देवा मैडम ने खुद ही शो तेने वी सी कार्यक्रम है खुद ही से तेरे को दिन वी सी मान मते समझान में पढ़ना है जैसा कुछ सेक्रेटरी पंचायत का चेतन नाम तुझे।